मूवी की शुरुआत होती है एक सूखे हुए नदी के किनारे, जो सीरिया के पाला शहर के पास के इलाके में है। एक रूसी आर्मी काफिला, जिसे बम डिफ्यूज करने में एक्सपर्ट कैप्टन डिमा शाबरोव लीड कर रहे हैं, वे नदी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ एक आतंकवादी ग्रुप जोश अलस्सम के सोल्जर्स हैं। ये दोनों ग्रुप्स यहाँ हॉस्टेज एक्सचेंज करने आए हैं। रूसी लोग अपने साथ एक कैदी जिहादी जॉन को लाए हैं, जो इस ग्रुप में से है, जो लोगों का सर कलम करके वीडियोस बनाने के लिए मशहूर है। इनके बदले में उन्हें मेजर जेन वापस मिलेगा, जो कुछ हफ्ते पहले आतंकवादियों के हाथ लग गए थे। कैप्टन डिमा को यह बताया गया है कि वो इस कैदी को एक्सचेंज ग्राउंड तक लेकर जाए और अपने सोल्जर को वापस लाए। लेकिन इस एक्सचेंज से पहले कहानी कुछ महीने पहले की तरफ ले जाती है। कैप्टन डिमा अपनी ट्रेनर्स को अलग अलग बम्स को निष्क्रिय करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके स्टूडेंट्स सारे लोकल सीरियाई सोल्जर्स हैं, जो काफी यंग हैं। उन्हें डिमा की बम निष्क्रिय करने की स्किल्स के लिए बहुत इज्जत दी जाती है। ये भी पता चलता है कि डिमा एक बम को निष्क्रिय करते वक्त अपने हाथ की तीन उंगलियां खो चुके हैं। डिमा अपने स्टूडेंट्स को बम्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो ट्रेडिशनल बम्स हैं, जिसमें सिर्फ वायर्स होते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स बम्स जैसे जायरोस्कोपिक बम्स भी हैं। ये बम्स में एक सेंसर होता है, जो अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो तो बम को ट्रिगर कर सकता है। काफी महीनों की ट्रेनिंग के बाद सोल्जर्स अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं और वो एक जॉइंट सीरियन अमेरिकन आर्मी बेस पे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। ये लोग आर्मी व्हीकल्स में ट्रेवल करते हैं और रास्ते में एक छोटी सी सफेद वैन देखते हैं, जो उनके साथ आर्मी बेस की तरफ जा रही है। कैप्टन डिमा जल्दी ही अपने काम में बिजी हो जाते हैं और कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो सिग्नल्स को जैम करने के लिए कहते हैं, ताकि कोई रिमोट कंट्रोल बम एक्टिवेट न हो सके। उनके एक सीरिया स्टूडेंट उन्हें कहता है कि सिविलियंस के बारे में चिंता न करें, लेकिन डिमा फिर भी अलर्ट रहते हैं। कैप्टन डिमा की नजर उस औरत पर पड़ती है, जो वैन से उतरकर उनके बेस के पास पहुंची थी। वो हिजाब में है और उसका एक प्यारा सा बैकपैक भी है, जो डिमा को उसकी खूबसूरती की तरफ आकर्षित करता है। जल्दी ही डिमा स्टूडेंट्स को ब्रीफ करते हैं कि उनका एग्जाम क्या होगा। उन्हें एक लैंड माइन को सेफली निष्क्रिय करना है, जो बेस के सामने की जमीन में लगी है। एग्जाम शुरू होता है और सीरियाई सोल्जर्स अपने प्रोटेक्टिव गियर्स में सील्ड एरिया में एंटर करते हैं। काफी टेंशन होता है, क्योंकि एक गलत स्टेप तबाही कर सकता है। थोड़ी देर में एक सोल्जर मोसिम लैंड माइन को ढूंढ लेता है। वो काफी नर्वस होता है और लगातार प्रार्थना करता है, पर आखिर में वो सक्सेसफुली सर्किट अनप्लग करके बम को निष्क्रिय कर लेता है। इस सफलता के बाद आर्मी बेस और स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करते हैं। कैप्टन डिमा उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनके सर्टिफिकेट कैंप में दिए जाएंगे। तभी वो सीरियाई औरत डिमा के पास आती है और उसका नाम जामा है, जो हाफ रूसी और हाफ सीरियाई है। उसका फोन एक वक्त के बाद वापस नेटवर्क पकड़ता है, क्योंकि डिमा के कहने पर सिग्नल्स वापस खोल दिए जाते हैं। जामा खुश हो जाती है और डिमा को इस युद्धग्रस्त देश में उसकी सर्विस के लिए थैंक्स बोलती है। बात करते वक्त जामा बताती है कि वो किसी कॉल का इंतजार कर रही थी, पर जब से वो आर्मी बेस के पास उतरी है, उसका फोन काम नहीं कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि कैप्टन डिमा ने आदेश दिए थे कि सब रेडियो सिग्नल्स जैम हो जाए। टेस्ट खत्म होने के बाद वो अपने लोगों से कहता है कि कम्युनिकेशन वापस चालू कर दें। जामा खुश होती है अपना फोन नेटवर्क वापस पाकर और कैप्टन का फिर से शुक्रिया करती है। जामा मजाक में कहती है, अब मैं वापस इंस्टाग्राम पे आ सकती हूँ, तो तुमसे बात करके अब थोड़ा बोर हो रही हूँ। इसी वक्त डिमा के लोग उसे आर्मी बेस बुला लेते हैं। उसके स्टूडेंट्स उसके साथ फोटो लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। डिमा जामा से कहता है कि थोड़ी देर रुक जाए और बेस की तरफ चल पड़ता है। जामा उसे रोकती है और कहती है कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन कैप्टन वादा करता है कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। कुछ ही सेकंड्स में आर्मी बेस के नीचे बम ब्लास्ट होता है और एक बड़ा फायरबॉल उठता है। डिमा, जो बेस से थोड़ा दूर होता है, वो भी एक्सप्लोजन के शॉक से पीछे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो होश में आता है और देखता है कि उसके आसपास सोल्जर्स की बॉडीज हैं। वो सहमत जाता है और उसके कानों में तेज आवाज बजती है। जैसे ही वो एक रूसी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरफ चलता है, उसे जामा का बैकपैक जमीन पर मिलता है। जामा पास में ही बेहोशी में लेटी होती है, पर जिंदा होती है।
सब सर्वाइवर्स को, जामा और कैप्टन को, रूसी आर्मी कैंप में ले जाया जाता है। अगले दिन दो सीनियर ऑफिसर्स डिम्मा से बात करने आते हैं, क्योंकि वो उन चंद लोगों में से है जो उस ब्लास्ट में बच गए। ऑफिसर्स उससे पूछते हैं कि ब्लास्ट से पहले क्या हुआ था, लेकिन उनको जल्दी पता चल जाता है कि वो अभी भी ब्लास्ट के आफ्टर इफेक्ट्स से सफर कर रहा है, तो वो उसे मेडिकल लीव घर भेजने का फैसला करते हैं। पर डिमा को ये फैसला अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे बैग्स पैक करने को कहा जाता है। वो अपने सामान कलेक्ट करने जाता है और ऑफिसर उसे जामा का बैकपैक भी दे देता है। पता चलता है कि जामा पहले ही चली गई थी जब डिमा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। उस बैकपैक में उसका मोबाइल फोन और कुछ और चीजें होती हैं। डिमा अभी भी उस लोकल लड़की से इंप्रेस है और उससे मिलने के लिए तरसता है। वो उसका फोन अपने लगेज में रख लेता है। कुछ दिन बाद डिमा एयरपोर्ट पर अपनी रूस की फ्लाइट के लिए वेट कर रहा होता है। इसी एयरपोर्ट में एक और रूसी ट्रूप वाला सिटी के लिए तैयार हो रहा होता है, जहां वो ISIS आतंकियों से लड़ने जा रहे होते हैं। पर तभी उन ट्रूप्स में से एक बीमार हो जाता है और डिमा को उसका रिप्लेसमेंट बनाया जाता है। जैसे उसने सोचा था, उसे अब अपनी प्यारी से मिलने का एक और मौका मिलता है। डिमा अपने नए ग्रुप के साथ पाला के लिए निकलता है और रास्ते में उन्हें न्यूज मिलती है कि एक छोटी रूसी ट्रूप एक पास वाले गांव में ISIS आतंकियों के अटैक में फंसी है। उनका ग्रुप उन्हें बैकअप देने के लिए उस गांव की तरफ मुड़ता है। गांव के बाहर उन्हें बुलेट्स और एक्सप्लोजन्स के बीच से गुजरना पड़ता है। तभी डिमा के पॉकेट में जामा का फोन रिंग करता है और वो जामा की आवाज सुनकर खुशी से भर जाता है। पता चलता है कि जामा भी पाला में ही रहती है और वो वहां उससे मिलने का वादा करता है। इसी वक्त एक रूसी टैंक पे ISIS का ब्लास्ट होता है और सोल्जर्स घायल होते हैं, लेकिन वो सेफ जगह पे वापस नहीं आ सकते क्योंकि फायरिंग चल रही है। कैप्टन डिमा ये देखते ही अपने ऑफिसर के ऑर्डर्स इग्नोर करते हुए अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए टैंक के पास पहुंचता है और एक इंजर्ड सोल्जर को वापस खींच लाता है। ऑफिसर्स पहले तो गुस्से में आते हैं, लेकिन वो भी इस ऑपरेशन में उसका साथ देते हैं। ट्रूप वापस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और वहां एक गैस प्लांट पर जाती है जो एक डेजर्ट के बीच में होता है। वहां पहुंचकर डिमा को ID यानी बॉम्ब्स डिफ्यूज करने का टास्क दिया जाता है। काम करते वक्त उसे पता चलता है कि एक लाइव ट्रिप वायर एक बिल्डिंग तक जा रहा है। जब वो उस वायर का पीछा करता है तो उसे दो टेररिस्ट्स मिलते हैं जो प्रेयर में लगे होते हैं। वो बिना इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किए दोनों को शूट कर देता है और उनमें से एक के पास ID का डेटोनेटर होता है। डिमा सब बॉम्ब्स को सेव कर देता है और अपने ग्रुप के पास वापस आ जाता है। उसी वक्त एक टेररिस्ट कार गैस प्लांट की तरफ आ रही होती है। रशियन ट्रूप उस पर फायरिंग करते हैं, पर वो रुकती नहीं है। मेजर जैन एक रॉकेट लॉन्चर उठा के कार को हिट करता है, लेकिन फिर भी कार गैस प्लांट में क्रैश कर जाती है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है। कई सोल्जर्स उस ब्लास्ट में मरते हैं, पर डिमा और कुछ सोल्जर्स बच जाते हैं। पिछले हफ्ते में यह दूसरी बार है जब कैप्टन मुश्किल से मौत से बचा है। इतनी बड़ी हानि के बाद भी ट्रूप के पास न तो आराम करने का टाइम है और न ही अभी के हादसे के बारे में सोचने का। जैसे ही वो अपने बेस वापस पहुंचे, उन्हें तमोर गांव भेज दिया है ताकि वहां के एक कुएं में बॉम्ब्स होने की अफवाहें चेक कर सकें। कैप्टन डिमा को वहीं रुकने पर मजबूर किया जाता है, जबकि मेजर जेन और उसके डेप्यूटी लेफ्टिनेंट माकार्की आगे जाते हैं ये देखने के लिए कि ये खबर सच है या नहीं। कुछ ही देर बाद डिमा को गांव के डायरेक्शन में एक बड़ा ब्लास्ट सुनाई देता है। वो तुरंत कुछ सीरियन सोल्जर्स को इकट्ठा करता है और वहां पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। वो तौर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां सीरियन सोल्जर्स और एक लोकल गैंग जिसका नाम जोश अलसम है के बीच में झगड़ा चल रहा है। डिमा और उसकी टीम जल्दी से एरिया को एनिमीज से साफ कर देते हैं, लेकिन इसका बहुत भारी दाम चुकाना पड़ता है। लेफ्टिनेंट माकार्की को निर्दयी तरीके से मार दिया गया है और मेजर जैन को गैंग ने पकड़ लिया है। इस तबाही भरी बैटल के बाद डिमा को पला शहर भेज दिया जाता है जो तमोर से ज्यादा दूर नहीं है। उसे जैन को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन ओपन करने की परमिशन मिलती है। वहां कैप्टन को जामा का कॉल वापस आता है जो उसे मिलने के लिए कहती है। यह भी पता चलता है कि डिमा का कुछ साल पहले एक खराब डिवोर्स हुआ था। तब से वो बस इस वॉर जोन में ही फंसा हुआ है और बस इंसानियत का बुरा ही देखा रहा है।
लेकिन इतने सालों के बाद उसके पास पहली बार एक मौका है कि वो एक औरत के साथ कुछ प्यारे लम्हे बिताए, चाहे वो इंस्टाग्राम एडिक्ट ही क्यों ना हो। उस दोपहर डीमा जामा के घर कुछ लोकल फ्लावर्स के साथ पहुंचता है। ये भी पता चलता है कि जामा ने भी अपना परिवार इस वॉर में खो दिया था और वो भी प्यार की तलाश में है। ये दोनों को एक दूसरे में तसल्ली पाने में मदद करता है और आखिरकार वो एक पैशनेट किस शेयर करते हैं। कैप्टन डीमा वो रात जामा के साथ गुजारता है। अगले दिन सुबह उसे जल्दी निकलना पड़ता है क्योंकि उसे जैन के वेयर अबाउट्स का एक लीड मिलता है। वो कुछ सीरियन सोल्जर्स इकट्ठा करता है और वहां के एक लोकल मार्केट में निकल पड़ता है जो वहां से ज्यादा दूर नहीं है। वो वहां कुछ गैंग मेंबर्स से मिलने जा रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि उनके पास जैन की डेड बॉडी है। लेकिन जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो गैंग मेंबर्स रिफ्यूज करते हैं, ये कहते हुए कि बिना पैसे दिए किसी को भी बॉडी चेक करना अलाउड नहीं है। डीमा के ग्रुप में से जो एक सीरियन सोल्जर को पता चल जाता है कि ये एक ट्रैप है और वो अपने दोस्तों को अलर्ट रहने का सिग्नल देता है। माहौल पहले ही टेंस है और ये और ज्यादा सिचुएशन को गर्म कर देता है। एक पल में वहां एक इंटेंस गन बैटल शुरू हो जाता है। सीरियन सोल्जर्स के पास नंबर्स में सुपीरियोरिटी है जो काफी है सारे गैंग मेंबर्स और कुछ बेचारे सिविलियंस को मार गिराने के लिए। इस बैटल के बाद डीमा वो लाश चेक करता है जो गैंग मेंबर्स ने दिखाई थी। जैसे उस सीरियन सोल्जर ने शक किया था, ये बॉडी जैन की नहीं थी। ये पूरा मीटिंग सिर्फ रशियन आर्मी से पैसे लूटने का एक सेटअप था। डीमा को पास में एक गैंग मेंबर का मोबाइल फोन भी मिलता है। वो उसे देखते हैं और एक ऐसी चीज पता चलती है जो उसकी जिंदगी का सच हिला देती है। उस मोबाइल में एक वीडियो होता है जिसमें जोश अलसम के टॉप लीडर्स को एक प्राइवेट फंक्शन में शामिल होते हुए दिखाया गया है। वो इवेंट जामा के घर में हो रहा है और वो भी गैंग मेंबर्स के साथ बैठे हुए नजर आ रही है। डीमा को वो दिन याद आ जाता है जब एक ब्लास्ट में उसके स्टूडेंट्स जॉइंट सीरियन अमेरिकन आर्मी बेस के पास मारे गए थे। वो बॉम्ब उसके रेडियो सिग्नल जैमर टर्न ऑफ करते ही एक्सप्लोड हुआ था। जामा जो एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ी थी, उसने ही अपने मोबाइल से वो बॉम्ब डेटोनेट किया था। दर्द और धोखे में डीमा तुरंत वापस जामा के घर पालमायरा में पहुंचता है। उसका शक सच हो जाता है जब वो जामा को एक जोश अलसम गैंग के मेंबर से बात करते हुए देखता है। कैप्टन बिना वक्त बर्बाद किए टेररिस्ट को मार देता है और जामा को कोने में ले जाता है। आखिर में वो रिवील करती है कि जेन अब भी जिंदा है और गैंग उसे छोड़ने के लिए तैयार है एक होस्टेज के बदले। वो जिहादी जॉन, जो एक साइकोटिक क्रिमिनल है और प्रिजनर्स को बेहेडिंग के लिए जाना जाता है। डीमा एग्री करता है और अगले दिन एक सूखी नदी के पास पालमायरा के बाहर एक्सचेंज का वक्त सेट होता है। लेकिन उसके पहले कैप्टन डीमा उस औरत को गोली मार देता है जिसके लिए वो इतनी दूर ये वॉर-टॉर्न शहर तक आया था। फिर स्टोरी पहले सीन पर वापस आती है जहां होस्टेज एक्सचेंज हो रहा है। कैप्टन डीमा खुद जिहादी जॉन को दुश्मनों को देता है और उसके बदले जैन को वापस पाता है। गैंग मेंबर्स तुरंत अपने आदमी को पाते ही वापस चले जाते हैं, जो डीमा को कुछ गलत होने का एहसास दिलाता है। तभी जैन रिवील करता है कि उसके जैकेट के नीचे क्रिमिनल्स ने एक आईडी वेस्ट लगा रखा है। ये एक सोफिस्टिकेटेड जायरोस्कोपिक एक्सप्लोसिव है जिसे डिफ्यूज करना काफी मुश्किल है। कुछ टेंस मिनट्स के बाद डीमा उस वेस्ट को जैन के ऊपर से निकाल देता है और उसे सेफ्टी में जाने के लिए कह देता है। लेकिन आईडी को सेफली डिफ्यूज करने का कोई तरीका नहीं बचा है क्योंकि ये एक आदमी के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक इमोशनल ट्विस्ट में जैन देखता है कि कैप्टन डीमा बॉम्ब के एक्सप्लोड होने का इंतजार करके खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।